આજે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે ચોથા તબક્કાની વાતચીત થશે। ખેડૂતોના આંદોલનના મુદ્દે પંજાબના સીએમ અમરિંદરસિંહ અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરશે। છેલ્લા સાત દિવસથી દિલ્હીની બોર્ડર પર ખેડૂતો અડીખમ છે। ખેડૂત આંદોલનોને લઈને આ બેઠક બાદ કોઈ પરિણામ આવી શકે છે। મોદી જી ખુદ મીટિંગ નહીં લેતી, મીટિંગ મેં નહીં જાયેંગે। વડાપ્રધાન સાથે વાતચીત થાય તેવો પણ ખેડૂતોનો આગ્રહ છે। તો બીજી તરફ અમરિંદરસિંહ અને અમિત શાહ વચ્ચે પણ આજે બેઠક મળવાની છે, અને એટલું જ નહીં, આજે ત્રીજી તારીખ જે પહેલેથી જ સરકારે આપેલી હતી અને ત્યારે ખેડૂતો અને સરકારના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે પણ બેઠક થવા જઈ રહી છે। ત્યાં જોવાનું રહેશે કે આ બેઠકનો સુખદ અંત આવે છે કે કેમ। ખેડૂત આંદોલનનો આજે આઠમો દિવસ છે, ત્યારે આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે। આજે એક તરફ કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે વાર્તા ચાલતી હશે, તો બીજી તરફ ખેડૂતો પોતાના આંદોલનને મજબૂત કરવા જોડાશે। ભારતીય કિસાન યુનિયને આજે ગાઝીપુર બોર્ડર પર મહાપંચાયતનું આહવાન કર્યું છે। દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે દેશના અલગ અલગ ભાગોમાંથી 20-25 લાખ જેટલા ખેડૂતો ભેગા થશે। किसान क्रांति आज अपने आठवें दिन में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको बता रहे हैं कि आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां पर महापंचायत का आह्वान किया है और दावा किया जा रहा है कि अन्य राज्यों और जिलों से तकरीबन 20-25 हजार किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और देख सकते हैं किसानों के लगातार आने का सिलसिला जारी भी है, यानी कि जहाँ एक तरफ किसान और सरकार के बीच वार्तालाप चल रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत चल रही होगी। यानी कि किसान सरकार से तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनका आंदोलन है उसको भी धार देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा भी गया है कि उनकी जो तैयारी है वो लंबी है, वो 26 जनवरी तक का जो है प्लान बनाए बैठे हैं। अगर सरकार और उनके बीच कोई सहमति जो है नहीं बनती है, तो वही सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि सरकार किसानों की हर समस्या को सुनने समझने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है, और उसी को लेकर आज एक अहम बैठक भी है। लेकिन बात करूं किसान क्रांति की, तो दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा है और कई बॉर्डर ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह सील है। हालांकि जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहां पर अभी जो है नेशनल हाईवे पर आवाजाही चालू है, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि अगर उनका समस्याओं का जल्द हल नहीं निकलता है तो वो यहाँ पर भी नाकेबंदी कर देंगे। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो इसमें पेरिफेरल है उस पर भी किसान जो है नाकेबंदी कर देंगे। तो ये तमाम जो तकरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब ये महापंचायत होती है तो इसमें किस तरह के फैसले ले आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब किसान के जो नेता हैं वो कृषि मंत्री से मिलकर निकलेंगे तो उनकी क्या राय होगी, क्या वो संतुष्ट होकर आते हैं या फिर ये जो तल्खी है लगातार इस तरह से जारी रहती है, जिसका खामियाजा साफ तौर पर दिल्ली और आसपास के इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जनसमित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली।